बढ़ती महंगाई को लेकर सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी ने डीसी सिरमौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें महंगाई पर रोक लगाने की मांग की गई। मीडिया से बात करते हुए सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि कोरोना का हाल में अधिकतर लोगों का रोजगार छिन गया था, दूसरी ओर अब बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सीपीआईएम पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय नाहन में बढ़ती महंगाई को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक मांग पत्र भेजा गया, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं, पेट्रोलियम पदार्थों, रसोई गैस और 800 किस्म की दवाइयों पर की गई 10% कीमत में वृद्धि को वापस लेने के लिए मांग की जा रही है। साथ ही मकान बनाने के लिए जरूरी वस्तुओं में हुई वृद्धि को कम करने की भी मांग की गई। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से बढ़ती महंगाई को लेकर हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार को महंगाई पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि आम आदमी अपना जीवन यापन कर सके। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज सीपीआईएम पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी के अंदर आज जिला सिरमौर मुख्यालय पर हम सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने आए हैं, और हमारी मांग ये है कि जो आज बढ़ती महंगाई है, जिस पर केंद्र सरकार का किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, उसमें जो है राष्ट्रपति महोदय जो है हस्तक्षेप करें और सरकार को निर्देश दे कि इस बढ़ती महंगाई के को लेकर जो सरकार इसके ऊपर नियंत्रण करे। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर देश भर में कोविड के कारण पूरे देश के अंदर लोगों के उद्योग धंधे, छोटे कारोबार खत्म हुए हैं, लोगों के रोज़गार खत्म हुए हैं। उस कड़ी के अंदर जहां पर सरकार को लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए था, सरकार उसके उलट खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही है, सोई गैस की कीमतें बढ़ रही है, मकान बनाना हो, सरिया सीमेंट की कीमतें दोगुना हो गई है, घर में इस्तेमाल तेल साबुन करना उसकी कीमतें दोगुनी हो गई है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक जो बड़ा हमला स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है कि 800 से ज़्यादा दवाइयाँ हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर जो है अभी 10% कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, ये देश की जनता के लिए जो है एक बहुत बड़ा हमला है। और सरकार आज जो है लगातार जो है इस हमले को जो है जनता पर जो है लाद रही है। हम ये मांग करने के लिए आए हैं राष्ट्रपति महोदय से कि वो सरकार को निर्देश दें कि जो ये महंगाई, बेतहाशा वृद्धि जो हुई है अलग अलग चीज़ों के अंदर, इसको जो है कम किया जाए और न्याय संगत दाम जो है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रसोई गैस की कीमतें हैं, या वो दवाइयां हैं, या वो मकान बनाने की सामग्री है, उसको जो है न्याय संगत किया जाए। ऐसा ना होने की स्थिति में जो है हम लगातार जो है इस संघर्ष को जारी रखेंगे। धन्यवाद। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स